मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड वाउंड ओवर अ सिलेंडर, ये एनसीईआरटी स्कूल लेवल लिख लो, इसमें बोर्ड के लिए स्कूल के लिए टॉपिक है। तो वो ये कहेगा कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है और इसके ऊपर धागा बांध रखा है, रस्सियाँ बांध रखी है, और नीचे एक पॉइंट मास है एम, तो क्या किया, इस सिलेंडर के यहाँ स्टिक है, तो आपने ऐसे जैसे पतंग की चरखड़ी नहीं है पकड़ रखी है, नीचे मास गिरता जा रहा है और ये रोल खुलती जा रही है ऐसे, तो आपको बताना है इस मास की एक्सेलेरेशन क्या होगी। तो ये मास नीचे आ रहा है तो यहाँ पर धागे में क्या हो जाएगी, टेंशन टी एन टी हो जाएगी। अगर आप इसका साइड व्यू देखें तो साइड व्यू इसका ऐसा दिखेगा आपको, राइट, सर्कल दिखेगा, तो आपको दिखेगा ये धागे की टेंशन टी है और ये से टॉर्क जनरेट करवा रही है, रेडियस इसका आर है। अब एक इक्वेशन तो बहुत क्लियर है इस पॉइंट मास के लिए, क्या लगेगी, एम जी माइनस टी इज एम ए, तो एम जी माइनस टी इज एम ए। दूसरा सिलेंडर के लिए, सिलेंडर रोल रोटेट कर रहा है खड़े खड़े, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क क्या जनरेट होगा, आर टेंशन टी इंटू आर, ये इसका एक्सिस है सेंटर में से पास कर रहे, तो टेंशन टी कितना टॉर्क जनरेट करेगी, टी इंटू आर, तो ये टी इंटू आर। टॉर्क होता क्या है, आई टाइम अल्फा। अब क्योंकि इसकी जो एक्सेलेरेशन ए बनेगी वो इसके लिए टेंजेंशियल बनेगी, तो अल्फा कैन बी रिटन एज ए कैन बी रिटन एज आर अल्फा, जिसे पहले भी यूज किया था हमने, और अल्फा की जगह ए बाय आर। सॉल्व करके आपने क्या निकाल ली, टेंशन, इस टी की वैल्यू को यहां पुट कर लिया तो ये टर्म आ गई, इससे और इसमें से ए कॉमन आ गया तो ये टर्म आ गई, और ये टर्म इसके नीचे आ गई, तो एक्सेलेरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, ये एक पत्थर की मूव करने की एक्सेलेरेशन होगी।